व्हाट्सअप एवरीबॉडी। तो आज हमारा है 124वां दिन और यह है 22 फरवरी। काफ़ी दिन अब तेज़ी से बढ़ते ख़त्म होते जा रहे हैं। हम 124वें दिन पे आ चुके हैं और अभी प्रोडक्टिविटी जिस लेवल की चाहिए उस लेवल की नहीं है, क्योंकि कभी कुछ काम आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, घर पे कुछ ना कुछ, हमेशा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। अगर आप घर से बैठ के तैयारी कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं। तो आज का क्या था मेरा, ये आज के मेरे ये कुछ गोल्स थे, जिसमें कि ये वाला तो हो गया हमारा, मार्कर भी अब ख़त्म ही होता जा रहा है। और उसके बाद ये एथिक्स के पेपर में मेरे 2 क्वेश्चन रह गए हैं, तो ये तो कंप्लीट नहीं हो पाया एथिक्स वाला। कोडिंग डिकोडिंग सी सेट भी नहीं हो पाया। आर्ट एंड कल्चर में जैनिज्म जो मैंने एनसीईआरटी से कवर कर लिया, लेकिन बुद्धिज़्म नहीं हो पाया। बुद्धिज़्म की तो मैंने रीडिंग कर ली थी, अब मैं प्रीलिम्स के लिए पढ़ना शुरू कर चुका हूँ। तो और उसके बाद ये मैंने सोचा कि इसमें करंट अफेयर्स का जो पोर्शन आया है इसको मैं एनालाइज़ कर लूँगा, लेकिन ये भी नहीं हो पाया, क्योंकि आज एक्चुअली हुआ कि 2 बजे के बाद से मैं कुछ घर के काम से बाहर चला गया था, तो शाम को 7 बजे लौटा, तो इसीलिए सारा टाइम बीत गया और अब 9 बज गया, अब खाने का टाइम हो गया। और उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि कुछ करंट अफेयर की जो मैगज़ीन है उसमें से कुछ पढ़ सकूँ, एक दो टॉपिक, मतलब इंटरनेशनल रिलेशन या फिर सिक्योरिटी। और उसके बाद आज का दिन इसी के साथ समाप्त होता है। और ये मैं नोट्स बना रहा था फिलहाल, पिछली बार जो मैंने पढ़ा था तो ये जैनिज्म बुद्धिज़्म है, तो एक चीज़ मुझे समझ में आई है इस बार कि आर्ट एंड कल्चर से ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स को हम टारगेट करेंगे तो भी सही हो जाता है। जैसे कि जैनिज्म बुद्धिज़्म, अगर आप कोई भी फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हो, सेकेंड टाइम वालों को तो समझ में आ ही गया होगा थोड़ा बहुत, लेकिन अगर फर्स्ट टाइम वाला कोई देख रहा है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई ये वाला टॉपिक तो छोड़ना मत, एनसीईआरटी से करो एंड नितिन सिंघानिया से करो, प्रीवियस ईयर करो, जहाँ से भी पॉसिबल हो सके इस टॉपिक को जितना प्रिपेयर कर सकते करो, क्योंकि इसे 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे और ये हर बार आ रहे हैं। और ये था सिर्फ जैनिज्म का टॉपिक जो मैंने एनसीईआरटी से एक पेज में वो किया है कंपाइल, और आई थिंक एक पेज के अंदर मैं नितिन सिंघानिया से भी कंपाइल कर सकूँगा, ताकि मेरा एक पेज में जैनिज्म हो जाए और मोस्ट प्रोबेबली एक पेज में बुद्धिज़्म हो जाए। पुराने नोट्स थे लेकिन वो बहुत ज़्यादा बल्की हैं, तो इसीलिए। और इसी के साथ समाप्त करते हैं आज का दिन, मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, एंड आई होप कि कल का दिन अच्छा रहे और उससे हम और अच्छे से यूटिलाइज करके ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकें। ओके, गुड बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड, लगे रहिए, प्रिपेयर करते रहिए, बाय।